मोदी जी, जितने आप चावल लेके आए हो उतने ही उसके बराबर तोल के मैं हरी मटर दे रही हूँ आपको। लेकिन मोदी जी, आप चावल लेके क्यों आए? इससे तो आप पैसे लेके आ जाते, मैं आपको हरी मटर पैसों से दे देती। बहन सोनिया जी, क्या बताऊँ, इस बार मेरे पास चावल की तो कमी है नहीं, क्योंकि इस बार मेरी धान की फसल अच्छी हुई थी और मेरे पास भरपूर चावल है। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी पैसे की दिक्कत चल रही है मेरे पास। लेकिन क्या बताऊँ, आज मेरा मटर पुलाव खाने का मन किया। मटर पुलाव बनाने के लिए घर तो चावल भरपूर है, लेकिन हरी मटर खरीदने के पैसे नहीं थे। और एक बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि बहन सोनिया जी के खेत में मटर बहुत अच्छी हुई है और वो सब लोगों को मटर बेच रही हैं। अब मेरे पास पैसे थे नहीं, इसीलिए मैं चावल ले आया। चावल के बदले आप मटर दे दो। लेकिन मोदी जी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मैं मटर और चावल को बराबर तोल के दूंगी। लेकिन बहन सोनिया जी, एक बात बताइए, चावल के तो दाम ज्यादा है और मटर के दाम कम है। इस टाइम चावल 50 रुपए किलो बिक रहा है और आपकी मटर 20 रुपए किलो बिक रही है, तो बराबर क्यों दोगी आप? देखो मोदी जी, मुझसे ज्यादा बात तो करो मत। आपको अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ। आप जितने चावल लाए हो मैं उन्हीं चावल के बराबर तराजू पर मटर तोल के आपको दे देती हूँ। लेकिन बहन सोनिया जी, दाम में काफी ज्यादा फर्क है। अगर मैं इन चावल को कहीं पे बेच के आता तो मुझे 50 रुपए मिलते एक किलो चावल के, और मैं आपको 20 रुपए दे के एक किलो मटर खरीद लेता। लेकिन आप तो चावल के बराबर मटर तोल के दे रही हो। मोदी जी, आपके इन चावलों में कीड़े हैं, कीड़े पड़े चावल हैं आपके। इन चावलों को कोई खरीदता भी नहीं। ये कम है कि मैं बराबर मटर तोल के आपको दे रही हूँ। जल्द से जल्द इस हरी मटर को यहाँ से ले जाओ और जाके घर जाके मटर पुलाव बना के मजे से खाओ। सर्दी भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन बहन सोनिया जी, मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप चावल के बराबर बिल्कुल मटर तोल के दे रही हो। मोदी जी, आप तो बार बार एक ही बात लगाए पड़ी हो। चलो ऐसा करो, लो थोड़ी सी ज्यादा मटर कर देती हूँ मैं तराजू में। लो, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जाओ इस मटर को ले जाके घर, जाके मटर पुलाव बना के खाओ ताजा ताजा। और भाइयों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वाह भाई वाह, मजा आ गया अखिलेश, ये तुमने बहुत अच्छा किया। जो तुमने घर के बाहर ये सूखी लकड़ी लागे उनमें आग लगा दी, आग के सामने ही सर्दी भागती है। लेकिन योगी जी, इस बार की सर्दी भी कमाल कर रही है, बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। मोदी जी, आपको सर्दी भी ज्यादा लग रही है, फिर भी आग के सामने बिना स्वेटर के बैठे हुए हो। अब देखो अखिलेश, मैं, राहुल, केजरीवाल जी सब लोग स्वेटर या चादर ओढ़े हुए हैं, तुम तो शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं पहने हुए हो और साथ में चाय पी रहे हो। अरे अकेले चाय पी रहे हो, कम से कम कम एक कप चाय हमें भी दे दो लाके। योगी जी, घर से एक ही कप चाय बना के लाया था, मैंने सोचा आग के सामने बैठ के आराम से चाय पीऊंगा, लेकिन तुम सब लोगों की नजर मेरे इस एक कप चाय पर ही है। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, आज तो सर्दी भगाने के लिए लकड़ी मैं ले आया, उसमें आग जला के सब लोग सर्दी भगा रहे हैं, लेकिन कल को लकड़ी कौन लाएगा? मेरे घर जितनी लकड़ी थी वो तो खत्म हो चुकी। अगले तुम तो बेफालतू की चिंता करते हो, कल को लकड़ियां मैं ले आऊंगा यहाँ पे। मैं जंगल से सूखी सूखी लकड़ी बीन कर ले आया था, उन्हीं लकड़ियों में आग लगा कर सब लोग सर्दी को भगाएंगे कल को। आप सब लोग तो बेंच के ऊपर बैठे हुए हो, मुझे तो ऊपर बैठने तक की जगह नहीं मिली है, मैं नीचे जमीन पर बैठा हुआ हूँ। अरे शिवराज सिंह जी, कैसी बात कर रहे हो? लो आगे बेंच पे बैठ जाओ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। आज तो आग जलाने के लिए अखिलेश घर से लकड़ी ले आया, कल को आप लेके चले आओगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परसों को लकड़ी कौन लाएगा, क्योंकि सर्दी तो अभी कई दिन की लग रही है मुझे। मोदी जी, साफ सी बात बताऊं, मेरे घर तो इस साल कोई लकड़ी नहीं है। पिछले साल देखो, आग जलाने के लिए कम से कम 4-5 दिन मैं लगातार लकड़ी लाया था, लेकिन इस बार घर पर कोई लकड़ी है ही नहीं। वैसे मोदी जी, एक कोई कहानी सुना दो, यहाँ पर आग के सामने बैठे बैठे वक्त नहीं कट रहा है। राहुल, कहानी क्या सुनाऊं, मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूँ अगर आज अखिलेश लकड़ी लेके नहीं आता तो आग कैसे जलती, और आग नहीं जलती तो ये सर्दी कैसे भागती। इस बार गांव में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। आज तो केजरीवाल जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। कुछ तो बोलो केजरीवाल जी। लो मोदी जी, कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, नमस्कार, चलता हूँ मैं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहन सोनिया जी, हारमोनियम को सही तरीके से ऐसी बजाते रहो, जितने ज्यादा लोग आपके हारमोनियम के सुर और मेरे ढोलक की ताल सुनकर आएंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन मोदी जी, आप एक बात बताओ, आप ये खेत पर हारमोनियम और ढोलक क्यों बजवा रहे हो? अरे कम से कम हम लोग अगर गांव में इस ढोलक को और हारमोनियम को बजाते तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते और बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता। बहन सोनिया जी, आप भी अजीब बात कर रही हो।
ये देखो लालू जी खींचे चले आ रहे मेरी ढोलक की ताल पर। बा बहन सोनिया जी, आपके हारमोनियम के सुर को सुनकर मैं आपके इस हारमोनियम के सुर की तरफ खींचा चला आया। बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजा रही हो बहन सोनिया जी आप। अरे लालू जी, अगर बहन सोनिया जी हारमोनियम अच्छा बजा रही है तो कोई मैं भैंसे थोड़ी चरा रहा हूँ, मैं भी तो ढोल बजा रहा हूँ। मेरे ढोलक की ताल आपको कैसी लग रही है? मोदी जी, आपकी ढोलक भी ताल ठीक ठाक है। बस लालू जी ठीक ठाक है। बहन सोनिया जी के हारमोनियम के सुर की तो आप बहुत तारीफ कर रहे हो। मोदी जी, जब मैं अच्छी तरीके से हारमोनियम बजा रही हूँ तो मेरे हारमोनियम के सुर की लालू जी तारीफ करेंगे नहीं? आपका ढोलक का सुर है ही नहीं। अरे योगी इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। रुक जाओ यही पे रुक जाओ। अरे योगी इंस्पेक्टर जी रुक कैसे जाए, हम कोई कहीं पे चल तोड़ी रहे, हम तो बैठे पड़े, हम कैसे रुक जाए? अरे मोदी जी, मेरा कहने का मतलब है अपने ढोलक को यहीं पे रोक दो और सोनिया जी आप हारमोनियम बजाना बंद कर दो। योगी इंस्पेक्टर जी कैसी बात कर रहे हो, कोई दिक्कत है बताओ? मोदी जी, आप अपने ढोलक को इतना बेकार बजा रहे हो कि आने जाने वाले लोगों के कानों में दर्द हो रहा है और वो मेरे पास शिकायत लेके आए, मैं तुरंत आप लोगों के पास भागा चला आया। अरे योगी इंस्पेक्टर जी कैसी बात कर रहे हो, बहन सोनिया जी इतना अच्छा हारमोनियम बजा रही है कि लालू जी बहन सोनिया जी के हारमोनियम के सुर पर खींचे चले आए। अरे सोनिया जी तो हारमोनियम अच्छा बजा रही है लेकिन मोदी जी आपका ढोलक तो अच्छा नहीं बज पा रहा है। लालू जी आप खड़े कैसे हो, दो चार पैसे जो जेब में पड़े हैं वो निकालो, कम से कम कुछ इनाम तो दो। मेरा हारमोनियम बजाना आपको पसंद आया, मोदी जी को भी कुछ इनाम दो। अरे बहन सोनिया जी, कहाँ जेब में पैसे पड़े हैं, खेत पर घूमने आया था, एक रुपया जेब में नहीं पड़ा है। बहन सोनिया जी इस गाने बजाने को बंद करो, कोई एक पैसा नहीं दे रहा है और इंस्पेक्टर योगी जी भी आ गए, खत्म करो ये गाना बजाना, लगता है कोई दूसरा कारोबार देखना पड़ेगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।